ईडी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के करीबी अधिकारियों, कुछ कारोबारियों समेत कांग्रेस के कुछ नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने 4 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं, साथ ही सोने चांदी के जेवर और कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ईडी ने रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, कोरबा समेत अन्य जिलों में छापेमार कार्रवाई की थी। ईडी ने जिन लोगों के ठिकाने पर छापा मारा है उसमें एक कलेक्टर और सरकार के करीबी कुछ वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी और कांग्रेस के नेता शामिल हैं। ईडी की इस कार्रवाई पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर डराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ये और बढ़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, आईटी, डीआरआई इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा इनके यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये तो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिटफंड कंपनी के पैसा डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं। अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ये सेंट्रल एजेंसी को दुरुपयोग कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भूपेश बघेल को सोनिया गांधी का एटीएम बता दिया। रमन सिंह ने कहा कि पूरे देश और दुनिया में आज छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, जहां कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वहां 40 अफसरों के घरों में ईडी की छापेमारी हुई है। उन्होंने कहा कि सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। केवल देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ शर्मसार हुआ है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के नए आयाम तय किए हैं, नए झंडा गाड़ा जा रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40-40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहाँ पे छापा मारेगा। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, साल भर से बोल रहा हूँ, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूँ, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है, मैं लगातार एक साल से बोल रहा हूँ, 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है और कई 100 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया। अब यदि इतने अवैध धंधे खुलेआम हो रहा है, कोरबा का होटल वाला, कोरबा का पान ठेला वाला, कोरबा का चाय दुकान वाला, वहाँ का एक चपरासियों से लेकर कलेक्टर तक सब जानते हैं कि पैसा कौन लेता है और कहाँ जाता है। कोई नई बात नहीं है इस एटीएम के खुलासे से, और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पर छापेमारी की कार्रवाई हो, और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खुलने लगा है। सच सामने आएगा, सब सामने आएगा। इससे पहले सितंबर में आयकर विभाग ने राज्य में इस्पात और कोयला कारोबार से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। वहीं साल जून जुलाई में आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों और मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात एक अधिकारी के घर समेत कई जगहों पर तलाशी ली थी। छापेमारी के बाद तिवारी ने दावा किया था कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने उनसे कहा था कि अगर वो राज्य सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस विधायकों के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करते हैं तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब ईडी की इस कार्रवाई पर जहां एक ओर करोड़ों रुपए और जेवर बरामद हुए हैं और बड़े खुलासे की उम्मीद है, वहीं कांग्रेस इस कार्रवाई को साजिश करार देते हुए बीजेपी पर हमलावर है।